अच्छा अब ना मैं आपको कोई भी एक डाटा आपका लेता हूँ। फर्ज किया ये एम्ब्रियोजेनेसिस वाला लेता हूँ, फर्ज किया मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये एंड के ऊपर आपने इसका बनाया हुआ है, इसका एम्ब्रियोजेनेसिस की थ्री डिफरेंट स्टेजेस एवरी फ्लो, ठीक है। यस सर, पहले तो हमने इन तीनों का एवरेज आपने ले लिया, ठीक हो गया। यस सर, अब हमने ना मालूम करना है कि अब सर इसको इसका जो वो है ना, वो जो हमें स्टैट के लिए, सर जो इसका हमें स्टैट के लिए वो चाहिए ना, स्टैट 8.0 के लिए, वो इससे ऊपर वाली फाइल में प्रेजेंट है, वो आपने खुद ही करके दे दिया था। वो किधर है। सर वो मैं आपको सेंड कर देती हूँ। वो सेंड कर दे मुझे। यस, सर मैंने आपको सेंड कर दिया। सही हो गए। अच्छा जी आपने किया हुआ है, ठीक हो गया। अपना इसका तो सिर्फ ये हम ले डाटा और इसको करें कॉपी और इसको अब हम स्टैट में डालते हैं। ठीक हो गया। यस सर, ये डाटा इधर चला गया स्टैटिस्टिका 8.1 में, जहां आपने जाके ये जो डाटा है एक ही फैक्टोरियल, एक ही फैक्टर है, मल्टी फैक्टोरियल नहीं है, लेकिन यस सर, बस एक ही है ना। बस आपने ट्रीटमेंट दिया है और उसको फिर आपने कंट्रोल में दो डिफरेंट टाइमिंग के ऊपर आपने इसका डाटा लिया है। अब आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जाके यस सर, लीनियर मॉडल और एनालिसिस ऑफ वेरियस और कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन में चले जाना। अच्छा अगर ये एक से ज्यादा फैक्टर होते देन हमें फैक्टोरियल में जाना था, ठीक है। अभी हमने जो यस, ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट वाला, वो ट्रीटमेंट वेरिएबल में कर देना है और बाकी सारे के सारे आपने डिपेंडेंट वेरिएबल में कर देने हैं, ठीक है। यस जितने सर, भी तीन एक्सप्रेशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में रेप्लिकेट को छोड़े, इसको ओके कर दिया। अब ये देखिए, यस सर, ये जो आपकी पहली ये जो ट्रीटमेंट्स है ना, वो नॉन सिग्निफिकेंट है। अभी इट मीन जो CSLS3 है ना, इसका जीन का एक्सप्रेशन जो है ना, इसके सामने आपने लिख देना है ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ये क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट, इट मीन्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन, या देयर इज नो इफेक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस या एम्ब्रियोजेनेसिस, जो भी है, भी तीनों में सेम तरह का जीन का एक्सप्रेशन है इसके अंदर। अच्छा जो दूसरा क्या है, 0.005 से ऊपर होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट, और जो नीचे होगा वो सिग्निफिकेंट। अब ये जो दूसरा है ना, इसके अंदर 0.05, ये जो दूसरा है ना इसके अंदर, ये पहला वाला आपने देखना है, दूसरा नहीं देखना, पहले वाला। ओके सर, ये CSLS4 के बाद जो पहला पी आएगा वो होगा, अब इसमें ये यस सर, सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ठीक यस सर, हो गया। अच्छा और फिर यस सर, उसके बाद आ जाता है CSLS5, ये भी सिग्निफिकेंट है। यस सर, सर उसके बाद फिर इसी हम तरह, इसका इस तरह टेबल बना लेना है कि ये सिग्निफिकेंट, ये नॉन सिग्निफिकेंट। हाँ आपने ये टेबल बना देना है इसी एक्सेल की शीट में, आपने लिख देना आगे, ये एम्ब्रियोजेनेसिस वाली है ना, इसी के नीचे लिख दें आप, ये जो डाटा है ना, ये इसके नीचे सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट, सर ये नॉन सिग्निफिकेंट ठीक है। एलएस एस लिख के दे,
फिर आगे नॉन एस एन एस लिख दें, ठीक है, एस और एन एस, सही, एन एस नॉन सिग्निफिकेंट, यस सर, ठीक है। अच्छा एक तो ये बात हो गई, अच्छा अब सिग्निफिकेंट का मतलब ये होगा, अच्छा एक और तरीके से भी ये डाटा जनरेट किया जा सकता है कि अगर आप ये देखें ना, ये जो ऊपर वाला डाटा ना, हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, इसको ठीक है, अच्छा एक और तरीका भी है कि इसको ये वन वन टू थ्री क्यों लिखा हुआ है, ये टी जीरो होगा ना, है ना, हेलो, ये टी जीरो है, ये टी वन है, ये टी टू है, थ्री ट्रीटमेंट है ना इसकी, आर यू देयर, यस सर। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब एक होता है कि आपने इसका ना एवरेज लिया है, एवरेज, वो एक एवरेज आपने लिया था, वो किधर है एवरेज वाली फाइल आपने पहले भेजी है मुझे, सर वो दूसरी वाली फाइल में जो आपने पहले खोली, अच्छा, इधर है, ये एवरेज वाली फाइल है, आगे मैंने कर दी थी इसको थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा अब इसमें हमें ये मालूम करना होता है कि क्या कंट्रोल के साथ हमारे जीन का जो एक्सप्रेशन है वो सिग्निफिकेंटली वो डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, ठीक है, yes, अच्छा उसके लिए हमने ये सी एस डी है ना, ये कंट्रोल है, ये एक ट्रीटमेंट है, yes, ये कंट्रोल है, ये एक ट्रीटमेंट है, अब हमने क्या करना है कि अब हमने देखना है कि इसका डाटा इसके मुकाबले में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है या अच्छा अगर तो पी की वैल्यू आ रही है कोई, इट मींस पी की वैल्यू 0.05 से कम है, इट मींस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर है, इट मींस कोई फर्क नहीं है, यस सर, अच्छा अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है तो फिर अब नेक्स्ट ये है क्या जो ट्रीटमेंट देने से इसका डाटा सिग्निफिकेंटली जीन अप हुआ है या डाउन हुआ है, सर वो कैसे फाइंड करें, वो मैं बताता हूं अभी, उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले अब हमने टी वन का देखेंगे, टी वन जो है ना हमारी टी वन, इधर हम कर देंगे टी टू, Yes, देखते हैं कि टी वन जो ट्रीटमेंट है उसका टी जीरो के साथ कंपेरेटिव करें, इसको हम क्या करेंगे इज इक्वल टू लॉग, क्या करेंगे सर, टी जीरो तो लिखा नहीं आपने, नहीं टी जीरो नहीं, हमने जहां टी जीरो के साथ तो हमने कंपेयर करना है, ओके सर ठीक होगा, अब आपने क्या करना है लॉग के साथ, sir. पहले आपने जो जिसका ट्रीटमेंट जिसका कंपेयर करना है टी वन है ना, ये क्लिक किया डिवाइडेड बाई कंट्रोल, ठीक है, और ब्रैकेट बंद बस, अगर नेगेटिव में वैल्यू आए इट मींस जो एक्सप्रेशन है वो कम हुआ है, ओके सर, अगर पॉजिटिव में वैल्यू आए इट मींस एक्सप्रेशन ज्यादा हुआ है, ठीक है, ज्यादा हुआ है, अच्छा फिर आपने ये बताना कि अगर आपकी पी की वैल्यू जो एल एस टी वन है उसके नीचे जब हम लिखेंगे कि सिग्निफिकेंट है, वो कैसे पता चलेगा, वो आपको इस टेबल से पता चल जाएगा कि इसकी एल एस टी वन जो है उसकी जो वैल्यू है वो पी की भी 0.26 है, ठीक है, 0.26 का मतलब है ये कोई सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हुआ डाटा, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ क्योंकि 0.05 से ज्यादा है वैल्यू, यस सर, इट अब आप इसको ऐसे लिखेंगे कि ये जो है ना इसके नीचे हम लिखेंगे ये जो पहले वाला टेबल है,
या इसके साथ ही इधर लिख देंगे नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट है डाटा, लेकिन ये जो टी वन की वैल्यू जो है ना, टी वन की यस सर वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हुई है, क्या हुई है, जो जीन एक्सप्रेशन एलएसडी वन की ट्रीटमेंट वन के अंदर जो जीन का एक्सप्रेशन है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज नहीं हुआ, इट्स अ नॉन सिग्निफिकेंटली, नॉन सिग्निफिकेंट, लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, एक लिटिल सा डिक्रीज हुआ है, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज नहीं हुआ, नॉन सिग्निफिकेंटली बिटल डिक्रीज, हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा अब हम इसी फार्मूले को जब ड्रैग करेंगे तो नीचे ये सारा क्यों नहीं हो रहा, तो क्या हो गया इसको सर, आपने कंट्रोल में सबका नहीं लिया था ना, तब पूरे कॉलम को नहीं लिया था, नहीं ये देखो ना ये लॉग किया था ना, ये इसके साथ किया तो ये हो गया सर, अब करें, अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो सभी का हो जाएगा, इसका होना चाहिए इज इक्वल टू लॉग टी वन डिवाइडेड बाई टी एट, और इसको अब ये पॉजिटिव है तो यार ये सारा ऐसे ड्रैग करने से हो जाता है सब टाइम ना, ऐसा जलील करता है ये बंदे को, यस सर ये हो गया, तो जब मैंने भी एवरेज ली थी तो बहुत मुश्किल से हो रहा था, ये हो गया, ठीक हो गया, ऐसे ही अब आपने इसका भी आप लॉग लेना है, ये हमने टी टू डिवाइडेड बाई टी जीरो, ठीक हो गया, और इसको हमने ब्रैकेट बंद, अब हमने इसका भी ऐसे ही करना है कि ये नीचे तक इसको इज इक्वल टू लॉग पहले टी टू, टी टू डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई टी जीरो, टी जीरो, ठीक है। अच्छा ये तो है काम एक है इस तरह करने से, यस सर, लेकिन 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 फर्ज के ये हमारा डाटा है ना, यहाँ पर आपने जीन आईडी लिखे हुए, जीन आईडी के दरमियान में ना वो नहीं आनी चाहिए, स्पेस नहीं आनी चाहिए, ओके सर, और आईडी जो है वो बड़ा लिखना आईडी, ठीक हो गया। अच्छा अब ये जो है ना इस डाटा को अगर हम कॉपी करें, ठीक है, इसके सामने आपने लिख देना है कि सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट, ये जो टेबल है ना ये टेबल आपने एज ए सप्लीमेंट्री फाइल के तौर पर अपने सप्लीमेंट्री फाइल में ऐड कर देना है, यस सर, ठीक है, मेरी बात की समझ आई सर, जो हीट मैप के डेटा है वो भी ऐड करने हैं, हीट मैप वाला डेटा हमने ओरिजिनल फिगर के तौर पर फिगर वाली फोल्डर में ऐड करना है आपने, ओके सर, उसका मतलब टेबल नहीं ऐड करना, नहीं वो फिगर है। अच्छा अब ये देखो ना, अब ये मैं देखो ना इसका हीट मैप बनाता हूँ, अब ये कॉपी किया, अब इसको कॉपी करने के बाद अब मैं इसका ना आपको ये बताता हूं कि अब आपने क्या करना है, इसमें आपने ग्राफिक में जाके तो इसका हीट मैप मैंने बनाया हुआ, नहीं नहीं अभी वो दोबारा चेंज करना है, अब मैं बताता हूँ, ओके सर, ठीक है, ये आपने इधर ऐड किया, इसको स्टार्ट किया, ठीक है, यस सर, कंट्रोल पैनल में जाके अब आसन में आपने लॉग स्केल ही किया हुआ था, यस सर, ये वो तो आपने लॉग स्केल पैनल किए, ये देखो इसको यहां पर आप क्लिक करें ना ये लॉग स्केल हो जाएगा, यस सर, लगी समझ, और यस सर अभी आपने करना है कि लॉग स्केल करना है रो में या कॉलम में, हमने कह दिया अगर ये रो में करना है, ठीक है, अच्छा रो में कर दिया, फिर आपने इसमें क्लस्टर रो भी कर दिया, ठीक है, यस सर, ठीक है, और फिर अब आपने ये करना है कि इसकी ना सर्कल बना दे, और सर्कल में
ये स्केल बाय साइज। अब ये देखें ये बन गया। अब ये जो डाटा जनरेट हुआ है ना, इसके बताओ नेगेटिव में जो वैल्यू है इट मीन जो सिग्निफिकेंटली वो लो हो रहा है, जो वो जो रेड वाली वैल्यू है वहां पर डाटा भी शुरू में ज्यादा था, बाद में कम हो गया, इसमें ज्यादा था, दरमियान में शुरू में कम था, फिर थोड़ा सा ज्यादा हुआ, फिर बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि जितना बड़ा ब्लू होगा उतना नेगेटिव है। यस सर, समझ आ रही है? यस सर। सर इसमें हमने वैल्यूज तो नहीं शो करेंगे ना? नहीं, हम वैल्यू नहीं शो करेंगे, बस ये इस तरह का हम ना ये इसको देख लें भी, ये बनाना है किस तरह का आपने इसको, आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा ताकि हमारा बहुत खलारा ना हो हीट मैप ना। अब आपने इसको सेव कर लेना है। अब आपने जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो अब आपको समझ आ गई कि इसको एक्सप्लेन करना कैसे है कि इट वाज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस या वो है ये जीन यहाँ एक्सप्रेस यहाँ होता है यहाँ कम होता है। ये कहानी आपने ऐसे करके ना रिजल्ट्स में फिर लिखनी है, डिक्रीज या इंक्रीज। हाँ जी, साथ में बताना भी है। अच्छा फर्ज किया, अब आपने आपने इसको मैंने आपको तीन टेबल दिए थे, टेबल फिगर सप्लीमेंट्री फाइल है आपके पास, वो जो रिसर्च पेपर भेजा था। हेलो सॉरी सर, क्या कहा? मैंने जो रिसर्च जिसको एडिट करना था आप लोगों ने, फर्ज के जी, उसके अंदर एक तो मैनुस्क्रिप्ट था, एक एक था टेबल था, फिगर्स था, सप्लीमेंट्री फाइल्स। हाँ, अब उसमें आपने एडिट किया भी था कुछ? यस सर, जो फिगर्स वाली थी वो फाइल एडिट कर ली है, टेबल वाली भी कर ली, और सप्लीमेंट्री फाइल में से एक टेबल एडिट किया जो उस दिन आपने इंट्रॉन और एग्जॉन्स वाला सिखाया था। आपने अभी तक जितना किया है ना वो मुझे भेजो। यस सर, और साथ में ये वाला जो अभी आपने सिखाया ये सारा करके फिर रात में भेज दूं? अच्छा चले, आप मुझे करके भेज दे, फिर मैं सुबह फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने इसको ठीक हो गया। यस सर, तो क्योंकि फिर तब तक ये वाला भी हो जाएगा ना जो आपने अभी दिया। ठीक है जी, आप इसमें ना ऐड करके सुबह फिर दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या करना है। लिख के रहेगा कल इंशाल्लाह, कल कल हम ना आपका चैप्टर फाइनल कर दें। ठीक है, ठीक हो गया सर। सर आप वो प्लीज पिछली वाली वीडियो थी ना रिकॉर्डिंग जिससे हमने फाइटोसोम से निकालने का तरीका सिखाया, वो भी सेंड कर दीजिएगा अभी। अच्छा वो भी कर देता हूँ जी सर। थैंक यू। एक मिनट, ये एलएसडी वन है, ये है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस वाला। यस सर, ये एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सेव कर दिया। चले ये मैं आपको अभी तक, एक मिनट अभी आप जाइएगा ना, मैं जो जो चीजें आपको भेजना चाह रहा हूँ ताकि मैं आपको भेज दूं। अच्छा अभी ये जो है आपका किधर है अच्छा क्यूकम्बर एलएसडी वन, ये कौन सा एम्ब्रियोजेनेसिस है, ये एम्ब्रियोजेनेसिस है, ये एम्ब्रियोजेनेसिस है। अच्छा जी ये हो गया जी, ये जो अभी हीट मैप बनाया है ये मैं आपको भेज रहा हूँ, उसके अलावा जो मैंने अभी उसमें चेंजेस की है, ये कौन सी थी, आपने अभी फाइटोसोम वाली फाइल भी डाउनलोड की है, वो भी फाइटोसोम वाली कौन सी सर, भी हमने पिछले वीडियो में की थी। ओके मैं वो भी भेज देता हूँ, लेकिन वो आपको मैंने तरीका भी बता दिया था। यस सर, सर टाइम कम लगेगा इस तरह। अच्छा अब ये जो है ये डाटा तो इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, एक और ये वाला डाटा है जो आपको मैंने ये बताया कि लॉग स्केल कैसे करना है, इसके साथ पी की वैल्यू कैसे ऐड करनी है, ये आपने ऐड करनी है अब,
ये स्टैटिस्टिका है ना आपके पास? यस सर है। चलिए गुड हो गया, ये तो बना लेगी ना, इसको मैं वैसे भेज देता हूँ दोबारा क्योंकि ये चीज। अच्छा जी, अब मैं आपको ये डाटा भी भेज दूं, एब्रियो जेंसन वाला, ये हो गया। अच्छा उसके बाद अब आप के और क्या कह रहे थे कि मैंने जो सर जो आपने फाइटोसोम से फाइल्स डाउनलोड का डाउनलोड किया, ठीक है, वो कौन सा है? रैपिडोप्टिस वाला, यही है ना डाउनलोड किया? हाँ रैपिडोप्सिस के आपने दो फाइल्स डाउनलोड किए। हाँ वो इसके अंदर ही है, अगर ये हो जाए तो। अच्छा और इसके अलावा जो पहली वीडियो बनाई है डाउनलोड करने वाली? यस सर, जो फाइटोसोम से आपने वे सिखाया किस तरह, ये आपके साथ वो बीटेक कभी आई है कि नहीं? ये है अभी मुझे लगता है। ये कितने बजे हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था? 9:35 पे हुआ था ना, 9:30। चले वो भी भेज देता हूँ, ठीक है, ओके। यस सर, और ये वाली भी, ये जो अभी है ये भी कर देता हूँ, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर।